हिंदुओं के पवित्र त्योहारों में मुगलिया सोच की नुमाइश क्यों की जा रही है? मोदी ने आज ये भी सवाल उठाया। नवरात्रि पर तेजस्वी यादव ने मछली खाने का वीडियो क्यों घुमाया? मोदी ने यह सवाल जम्मू कश्मीर में उठाया। नवरात्र के दिनों में नॉनवेज खाना, अब इस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मोदी ने इरादे पर सवाल उठाया तो लालू फैमिली का भी जवाब आया। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करते हैं, वो केवल इधर उधर की बातें करते हैं। पूरी सफाई की है कि ये नवरात्र से पहले उसने मछली खाई थी और ये खाने पीना, मैं कह रही हूँ आप किसानों के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते? लेकिन मोदी ने हिंदू धर्म के त्योहारों में मांसाहार को मुगलिया सोच के प्रचार से कनेक्ट कर दिया। मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। बिहार में फिर इस बार मोदी नीतीश साथ हैं। 40 सीटों का टारगेट पूरा करने के लिए नीतीश कुमार का निश्चय रथ निकल पड़ा है। वेस्टर्न यूपी में बीजेपी से राजपूतों की नाराजगी का नैरेटिव फैलाया जा रहा है। योगी ने इसका काउंटर प्लान बताया। पहले चरण की वोटिंग से पहले पश्चिमी यूपी में राजपूतों की बीजेपी से नाराजगी का नैरेटिव चलाया जा रहा है। इसको लेकर योगी ने आज कैराना की रैली में वोटरों को सावधान किया। जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं, ये लोग कभी नहीं आएंगे। जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। ये सीट पिछले 10 साल से लगातार सुर्खियों में रही है, कभी हिंदुओं के पलायन की खबर के कारण तो कभी सांप्रदायिक तनाव के कारण। बीजेपी ने कैराना से मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी को टिकट दिया है। अखिलेश यादव की पार्टी ने इकरा हसन को टिकट दिया है। बीएसपी ने श्रीपाल सिंह राणा पर भरोसा जताया है। वेस्टर्न यूपी के कैराना सीट पर कौन जीतेगा, इसमें आरएलडी के वोटर का भी रोल काफी अहम होगा। 2004 में सीट पर आरएलडी की अनुराधा चौधरी जीती थी। कैराना में 5.45 लाख मुस्लिम है, 2.5 लाख दलित, 3 लाख जाट ठाकुर, 2.5 लाख सैनी कश्यप और 1.20 लाख ब्राह्मण वैश्य वोटर हैं। मिशन 80 के लिए वेस्टर्न यूपी को साधना योगी का सबसे बड़ा टास्क है। यूपी में आज योगी ने जात की बात की तो अमित शाह ने राम की बात की। 19 में मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया। वेस्टर्न यूपी में अमित शाह भी माहौल बना रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, इंडी गठबंधन का इतिहास बता रहे हैं, मुरादाबाद में शाह सपा बसपा कांग्रेस की वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स समझा रहे हैं। इनको निमंत्रण भेजा गया 22 जनवरी का, वो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित भी नहीं हुए क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है, अपनी वोट बैंक का डर लगता है। मिशन 80 के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ हिंदू वोट को एकजुट रखना है, तुष्टीकरण को लेकर विपक्ष पर अटैक करना है। यूपी में बीजेपी धुआंधार कैंपेनिंग कर रही है। नरेंद्र मोदी अब तक 3 रैली और 1 रोड शो कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ 27 रैली और मीटिंग कर चुके हैं। अमित शाह भी यूपी में अब तक 3 रैली कर चुके हैं। अमित शाह आज दूसरी बार मुरादाबाद में रैली करने पहुंचे। अखिलेश ने इलेक्शन कैंपेन के लिए बीजेपी का गढ़ चुना। यादव फैमिली को पीलीभीत में मौका नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने अपने चुनाव प्रचार के आगाज के लिए पीलीभीत को चुना। वोटिंग से ठीक 7 दिन पहले अखिलेश पीलीभीत पहुंच गए। यहां के सियासी रण में बीएसपी से अनीस अहमद, एसपी से भगवंत सारन गंगवार और बीजेपी से जितिन प्रसाद हैं। बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट कर पीलीभीत से जितिन प्रसाद को कैंडिडेट बनाया है। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है। कोई नया आया है प्रत्याशी जो कह रहा है कि हमें अगर पहले पता होता कि हमें चुनाव लड़ना है तो हम बम्बई बना देते पीलीभीत को। जितिन प्रसाद कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा माने जाते थे, अब योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। पीलीभीत सीट से रोहिलखंड की कई सीटों तक संदेश जाता है। मेनका वरुण फैक्टर इस सीट पर अहम रहा है। पीलीभीत में करीब 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। बसपा ने इस बार मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, इससे सपा का मुस्लिम वोट डिवाइड हो सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रपति शासन का डर सता रहा है। 15 अप्रैल को तिहाड़ में केजरीवाल और भगवंत मान की मुलाकात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है।
आम आदमी पार्टी ने सुबह 8:30 बजे सोशल मीडिया पर माहौल बनाना शुरू कर दिया। आप सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश के खुलासे की टाइमिंग बताई जाने लगी। कुछ घंटों बाद आतिशी राष्ट्रपति शासन की प्लानिंग वाली थ्योरी लेकर आई। आतिशी के बाद केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी कॉन्स्पिरेसी की उसी कहानी को आगे बढ़ाते नजर आए। फिर जवाब बीजेपी से आया, हर बात में संवैधानिक संकट की बात जो कही जा रही है बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एलजी साहब द्वारा, इससे साफ संकेत होते हैं जो भ्रष्टाचारी हैं वो कह रहे हैं हाय हाय मार डाला, ये क्या कर डाला, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है। अब आम आदमी पार्टी की दलील भी जान लीजिए। आपके मुताबिक दिल्ली में किसी आईएएस की पोस्टिंग नहीं हो रही है। एलजी बार बार गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं, कोई भी अधिकारी मीटिंग में नहीं आ रहा। 20 साल पुराने केस में केजरीवाल के निजी सचिव को हटा दिया गया है।